अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विद बिलाल। काफ़ी दिनों बाद फिर एक ब्लॉग बनाने का मुझे मौका मिला, सोचा कि भाई छोटा सा ब्लॉग बनाया जाए, स्पेशली कि जो पाकिस्तानी इंडियन या कोई भी बांग्लादेश या कोई भी अदर कंट्री के लोग यहाँ पे जॉब के सिलसिले में आते हैं, तो यहाँ पे आके अक्सर वो जॉब ढूंढने के सिलसिले में मुख्तलिफ जगह पर जाके इंटरव्यू देते हैं। और काफ़ी जगह पर यहाँ पे एक ट्रेंड शुरू हुआ है काफ़ी अच्छे से कि यहाँ पे लोग बुलाते हैं उनको, ऑनलाइन वेबसाइट पे देखते हैं या फिर उनको बुलाते हैं अपने ऑफिस में और वहाँ पे आके उनसे वो पेमेंट लेते हैं, 200 दिरहम 300 दिरहम समथिंग कम भी ले सकते हैं जहाँ पे कोई फंस जाए। तो कहने का मकसद सिर्फ यही है बताने का कि ताकि नेक्स्ट कोई बंदा आए, कोई भाई या बहन यहाँ पर आता है तो यहाँ पर आके वो इनके हाथ का लगे। मैंने एक एक्सपेरिमेंट लिए दोस्त के कहने पर एक ऑफिस में गया था, दोबारा उस ऑफिस में जा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे क्या सिस्टम चल रहा है। उन्होंने 200 रुपये लिए थे, 200 दिरहम, ताकि आपको जॉब लाए जाए और विद इन वीक आपको बताएंगे। लेट्स सपोज अगर वो नहीं आपको बताते तो आफ्टर वन वीक आपको पेमेंट देने के हकदार हैं। लेट्स सपोज अगर वो आपको कॉन्टेक्ट करते हैं या मैसेज करते हैं, आपसे रब्ता नहीं हो पाता तो उनकी एक टर्म एंड कंडीशन में लिखा होता है कि वो आपको पेमेंट नहीं दे सकते, देने के हकदार नहीं। गुजरते मुझे दोस्तों ने बताया था काफ़ी ने कि भाई ये इशू है, तो मैंने कहा तो चेक करते हैं। आज स्पेशल मैं आपको इस तरफ लेके जा रहा हूँ और आपको दिखाती है कि यहाँ पे क्या सिलसिला चल रहा है। ये कैटल मार्केट मैंने अपने अगले व्लॉग में भी दिखाई थी आपको। एक और चीज़ यहाँ पे आज भी बताया मैंने दो वीडियो में कि दुबई सिटी के अंदर आपको ये जगह जगह नजर आएंगे जहाँ पे फर्स्ट स्टॉप है, ये टोटल जितने भी यहाँ पे नजर आएंगे सभी के सभी एसी है। यहाँ की जो हुकूमत है यहाँ के लोगों को फैसिलिटेट करती है, यहाँ पे सहूलियात देती है। देखिए अगर वो यहाँ से लोग यहाँ पे सभी लोगों से टैक्स लेते हैं ना, तो उसका वो लोग को हक भी अदा करते हैं, लोगों को सहूलत देने का। मेरा इस हुकूमत से ये इल्तजा होगी भाई कि जहाँ पे जो हर देखिए हर जगह भी होता है, यहाँ की हुकूमत ने यहाँ के जो हुकूमत है वो काफ़ी चीज़ों पे उन्होंने कंट्रोल किया है, तो उनको चाहिए कि ये जो यहाँ पे स्कैम हो रहा है ये जो पेमेंट के नौकरी जॉब के सिलसिले में, इसके ऊपर भी वो कंट्रोल करें, इसको देखें और उन अनासों को पकड़ें कि जो ये काम कर रहे हैं यहाँ पे। मैं अभी ठहरा हूँ अलकसेस में, नियर बाय गल्लादार सिग्नल। यहाँ से अभी मैं जाऊँगा मेट्रो एक्सेस, यहाँ से थोड़ी सी दूर है क्योंकि यहाँ अपने नज़दीक कोई मेट्रो एक्सेस नहीं है। यहाँ से 30 भी एक गाड़ी मिलती है, उस पर बैठ के डायरेक्ट मैं अबू हिल जाऊँगा। अबू हिल में इनका ऑफिस है, कायान के नाम पे, कायान के नाम पे है इनका। और मैं इस कैबिनेट मेरे पास है, आपको दिखाते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि भाई नेक्स्ट टाइम कोई भी भाई या कोई बहन यहाँ पर आती हैं तो इनके खत्ते ना चढ़े भाई, इनके इनके साथ धोखा ना हो। अच्छा ये मुख्तलिफ यहाँ पे मार्केट्स हैं, मदीना है, लुलू है और भी काफ़ी हैं, मदीना सुपर स्टोर है, लेकिन ये एक ब्रांड है गाला, इनके रेट्स यहाँ पे सबसे कम है। जहाँ भी आपको ये मार्केट नजर आएगी बहुत कम रेट्स में इनसी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे जब आप आते हैं ना तो दुबई में ख़ास तौर पे ये सिग्नल आपको नज़र आ रहे हैं पेडेस्ट्रियन के लिए, यानी पैदल चलने वालों के लिए। जब तक ये लाइट्स इनकी ग्रीन ना हो जैसी, तब तक आप रोड क्रॉस ना कीजिएगा, क्योंकि अक्सर हम लोग पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में जाते हैं तो हम लोग इन रूल को फॉलो नहीं करते। पाकिस्तान के अलावा और इंडिया के अलावा मेरे ख्याल में हर जगह ही रूल को फॉलो किया जाता है।
लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पे पैदल चल रहे हैं और आपको यहाँ पे उनकी पुलिस ने या उनके बंदियों ने देख लिया है, तो इसका बहुत भारी जुर्माना भी आपको अदा करना पड़ सकता है। कि जिस सिग्नल की मैं बात करता वो है ये रे जी, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, ये अभी ऑफिस है, ये सामने देखते हैं कि क्या होता है हमारे साथ आज। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। ये स्पेशली व्लॉग मैंने बनाया है ताकि लोगों के साथ स्कैम ना हो सके। बाकी आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप इनके झांसे में आ जाएं या ना आए। कोशिश करें कि यहाँ पे आके एक नंबर तरीके से ही आप अप्लाई कर सकें ताकि आपके साथ स्कैम ना हो सके। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरा हर आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।